अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिगर्फा यास्मीन और आज मैं डॉक्टर हिना के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और आज का वीलॉग है हार्मोनल इंबैलेंस के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे कैसे। पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम टू माई चैनल पेलेस टीवी। जी हाँ, आइए हम बात करते हैं और मिलते हैं और जानते हैं कि भाई हार्मोनल इंबैलेंस क्या होता है। पहले तो डॉक्टर ना बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू। ये बताइए कि ये हार्मोनल इंबैलेंस हर किसी को हो जाता है क्या? नहीं, हार्मोनल इंबैलेंस हर किसी को नहीं होता। हार्मोन्स हमारी बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारा एंडोक्रीन सिस्टम जो है वो बनाते हैं। तो और बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस होती हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स की डिस्टरबेंस की वजह से होती हैं। अच्छा। तो और फीमेल्स के हार्मोन्स अलग होते हैं जिनकी डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो हमारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। तो वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है और सारे इन जनरल हार्मोन्स का टॉपिक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। तो अगर हम फीमेल्स से रिलेटेड बात करना चाहेंगे तो हार्मोनल इम्बेलेंसेस हर किसी में नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों में हो जाते हैं। लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम तकरीबन हर औरत इस प्रॉब्लम से गुजर ही रही होती है, ऑन एंड ऑफ ये हो ही रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये PCOS का मैं बहुत सुन रही हूँ कि जी ये PCO हो गया, PCO क्या है इसका और हार्मोनल इम्बेलेंस का क्या कनेक्शन है? इसका बहुत डीप कनेक्शन है PCOS से। PCO इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवरी। नॉर्मली हमारी जो ओवरीज होती हैं वो फॉलिकल्स बनाती हैं, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं वो अंडे बनाती हैं। वो अंडे आगे जाके फिर रप्चर होते हैं। वो अंडे जब रप्चर होते हैं और उसके बाद उसमें से ओवम जब निकलता है, जिसे हम प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, वो ओव्यूलेशन होती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होनी होती तो फिर वो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस में वो ओवम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सही। तो लेकिन जब PCO होता है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, तो उसमें होता ये है कि अंडे तो बनते हैं लेकिन वो रप्चर नहीं होते। कुछ हार्मोन्स ऐसे आ जाते हैं, मतलब फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन है और वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो रप्चर नहीं हो पाते टाइम पे। और वो रप्चर जब नहीं हो पाते तो फिर उसकी एज अ रिजल्ट इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सही। तो और फिर होता यह है कि जब वो रप्चर नहीं होते तो उसमें फ्लूइड कलेक्शन शुरू हो जाती है और वो एक सिस्ट बना देती है। तो दिस इज जैसे पानी की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, वो बन जाती हैं और वो बहुत सारी बन जाती हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत सारी बन जाती हैं और इसको मल्टी सिस्टिक या पॉलीसिस्टिक ओवरी उसी को कहते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत डिटेल के साथ आपने बताया, क्योंकि ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है, PCO क्या है और क्या कॉम्प्लिकेशंस ये कर सकता है, क्या मसाइल जो है वो खवातीन के लिए कर सकता है। ट्रीटेबल होता है? बिल्कुल ट्रीटेबल होता है। अच्छा डॉक्टर, मैं ये बताइएगा कि रीज़न क्या होता है, क्या वजह क्या होती है, हो क्यों जाता है? वेल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और वजह इसकी ये होती है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल्स चेंज हुए हैं, स्पेशली यंग लड़कियां हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। और उससे ज़्यादा बुरा ये है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स जो कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं, जंक फूड, वेल प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो और इसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है। और बेसिकली ये PCO में जिस तरह की ओबेसिटी होती है, सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं हम, यानी कि आपकी वेस्ट लाइन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बिल्कुल साइड लाइंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी और ये आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से होती है, एंड नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप, और आपके सारे हॉर्मोन्स उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ PCO। सही। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, सारा दिन बैठे रहना, कुछ करना नहीं। अच्छा, खवातीन की ज़्यादा कंप्लेन ही यही होती है कि जी ये बीच का एरिया जो है, जिसे सेंट्रल पार्ट कहते हैं हम, यहीं से जो है ना वो बॉडी डिसबैलेंस होना शुरू होती है। इट मीन्स कि अगर ज़रा सा भी स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि इसके बाद ये इंक्रीज ही होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज ही होगा। ऑब्वियसली।
सही। पीसीओ जो है ये किसी भी एज ग्रुप में हो जाता है या ये जरूरी है कि जो 40 प्लस की खातून हो जाए उसके बाद ही? नहीं, 40 प्लस होने की जरूरत नहीं है किसी भी यंग लड़कियों को, 16, 17, 18 ईयर्स की लड़कियों को भी हो सकता है, और टीनएजर्स में तो ओबेसिटी और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज इज वेरी कॉमन। अच्छा, और 40 के बाद होने का कोई वो नहीं है, उसके बाद तो मतलब के 40 से पहले ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि एज फैक्टर एक ऐसी चीज होती है कि लोग फौरन हर चीज को इल्जाम देते हैं कि भाई एज हो गई है ना इसलिए हो गया, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पूछा। एज से कोई इस बात से कोई यंग लड़कियों में भी हो सकता है और होता है। और होता है, आप बता रही हैं कि ये यंग गर्ल्स में होता है, मेरी नॉलेज में बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। मैं समझी थी शायद एक कोई आपकी सीनियर एज हो जाती है उसके बाद जाके आप पीसीओ का शिकार हो जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं पीसीओ के हवाले से और हम कहते हैं एज इसमें कोई फैक्टर भी नहीं आ रहा, तो क्या आप ये समझती हैं कि ये जो पीसीओ है ये जब जिस तरह यंग लड़की है उसके लिए तो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे एक नॉर्मल पर्सन मैं बता रही हूँ, गायनी नहीं लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं इसको तो नहीं हो सकता। क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप लोग जो है वो डायग्नोस करते हैं कि इसका ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है? सबसे पहले पेशेंट जो है वो कंप्लेन करती है इरेगुलर पीरियड्स की। ओके, दो दो तीन तीन महीने पीरियड्स नहीं आते हैं लड़की को, और अगर पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत कम, मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत कम होता है, वो चीज़ें होती हैं देखने वाली। फिर ओबीस हो रही होती है पेशेंट जो है, वो वही सेंट्रल ओबेसिटी और बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा होता है पेशेंट का, और उसके बाद अनवांटेड हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो रही होती है लाइक चिन पे और समटाइम्स इवन चेस्ट वगैरह पे हेयर ग्रोथ हो रही होती है, वो चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है उनमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें शुगरी फूड्स और ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं तो इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है उनकी, इंसुलिन के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं उनके, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है उनके लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, फीमेल हार्मोन्स जो है वो थोड़े से डिक्रीज हुए हुए होते हैं, तो उसके बेस पे फिर हम डायग्नोस करते हैं। और एक्नी की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही होती है उनको, तो ये कुछ बहुत प्रोमिनेंट साइंस हैं जिसकी वजह जिसके बेस के ऊपर डायग्नोसिस हो सकता है। लेकिन ये आपकी गाइडलाइन फाइनली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम कंफर्म करते हैं। और यहाँ पर बस मैं आपकी बात में एक बात शामिल करना चाहूँगी कि गायनी ही आपकी जो है वो डायग्नोस करेगी, आप खुद कहीं अगर बाल आपके इस तरह से अनवांटेड हेयर आ रहे हैं तो आप खुद ये डायग्नोस नहीं कर सकते कि मुझे पीसीओ हो गया है, इसके लिए आपको गायनी के पास जाना बहुत ज़रूरी है और ताकि वो एक कम्प्लीट आपका जो है चेकअप भी करें और टेस्ट भी करवाएं। यहाँ पर मेरे जहन में अचानक से एक चीज़ आई कि लोग जो है पहले बड़ा वो करते थे कि अनमैरिड लड़की को गायनी के पास जाने दिया, तो आजकल भी ऐसा माहौल है या सोच में तब्दीली आई है? नहीं, आई थिंक लोगों ने जैसे पहले होता था बहुत ज़्यादा टैबूज जैसे कहते हैं वो होते थे कि नहीं अभी शादी नहीं हुई तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास कैसे लेके जाएं, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो हर इंसान को राइट है कि वो अपनी ट्रीटमेंट करवाए, चाहे उसे शादी से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का, एंड यू हैव टू गेट ट्रीटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब उससे मैरिड हैं आप अनमैरिड हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा डॉक्टर, ना ये भी बताइएगा कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ये हो सकती हैं, सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटीज़, प्री डायबिटिक स्टेज जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है डायबिटीज़, फिर आपका वेट गेन हुआ हुआ होता है तो हाइपरटेंशन इज अनदर कॉम्प्लिकेशन, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस इज इनफर्टिलिटी फिर जाके होती है और कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो दीज आर द मेजर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो इसे इमीडिएट उसको ट्रीट करवाना चाहिए, आप ये सोच के ना छोड़ दें कि जी शायद खुद ही ठीक हो जाए। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट में ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट के अपने हाथ में बहुत ज़्यादा है, हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं बिकॉज सबसे पहले उनको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अगर वो अपने आप को इससे डिजीज फ्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी, अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, टाइम पे सोना होगा, सुबह टाइम पे उठना होगा, दीज आर द बेसिक फैक्टर्स जो कि आपके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, वैसे भी कहते हैं कि रात की नींद जो है ना उसका कोई ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं, ऑफकोर्स आप पूरा दिन सो लें और रात में आप सुकून से सो लें, क्योंकि आपकी बॉडी रिपेयर ही रात में होती है, वो जो टाइम होता है 3 से 4 घंटे का अगर आपने वो जागते हुए गुजार दिया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और ये जो एक जब हम लोग छोटे होते थे तो पेरेंट्स जो सुबह सुबह उठा देते थे छुट्टी वाले दिन भी, उठो 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 सुबह उठो,
तो वो उसके पीछे भी एक रीजन यही होता था कि वो कहते थे एक रूटीन भी बना रहेगा और बच्चा हेल्दी रहेगा. बच्चा पूरे पहले हमारे पास रात को जागने का कोई रीजन भी नहीं होता. 12 बजे सब ना हम टीवी देख सकते थे ना हमारे पास मोबाइल्स होते थे. हमारा बड़ा मासूमाना दौर था इसीलिए चेहरे पे अभी तक मासूमियत बरकरार है. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे खवातीन के हवाले से कि जी PCOS क्या होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है और कुछ इसके टेस्ट भी होते हैं. हाँ, हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उसी के बेस के ऊपर डायग्नोसिस. और वो आप फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता होगा कि ट्रीटमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हम कहते हैं बॉडी में कोई भी चीज़ हमारी अगर बैलेंस से आउट हो रही होती है तो खाने पीने में भी कुछ एहतियात जो होती है वो बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करता है ये खाना ये नहीं खाना. मुझे बताइएगा इसमें भी कुछ ऐसा फूड का मतलब है. ऑफकोर्स, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. इसमें आपको सबसे पहले कट डाउन करनी पड़ेगी अपने सैचुरेटेड फैट्स. जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि हर चीज़ तली हुई होनी चाहिए, ऑयल के बगैर खाना नहीं पक सकता. सो यहाँ पे आपको चले आप ऑयल लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं. जंक फूड आपको कट डाउन करना पड़ेगा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको कट डाउन करनी पड़ेगी और स्वीट्स आपको कट डाउन करनी पड़ेगी. शुगरी फूड जो भी है वो आपको कट डाउन करना पड़ेगा. राइस आपको कट डाउन करना पड़ेंगे. आपको वाइट फ्लोर जो है फ्लोर है वो कट डाउन करना पड़ेगा, जिसको मैदा कहते हैं. तो ये सब चीज़ें आपको कट डाउन करनी पड़ेंगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इन सब के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने आप को अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा और अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा. तो आपकी मोर देन 50% तो आपकी ट्रीटमेंट यही हो जाएगी. तो और जब आपका वेट ये रिड्यूस होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे और आपको कंसीव करने में भी आसानी. सही. अच्छा, अब लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी कि एक ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं ना, लोग ट्रीट करवाने के लिए अगर जाते हैं, एक तो ज़्यादातर जो खवातीन जा रही होती हैं इनफर्टिलिटी की वजह से जा रही होती है, तो क्या ट्रीटमेंट इसका है, कितना लॉन्ग होता है और कहीं पे जाके ऐसा होता है कि गायनी ये कहती है कि बस अब जो कर सकते थे हम कर दिया हमने, ऐसा होता है? वेल, ज़्यादातर ऐसा ही होता है क्योंकि शादी से पहले तो नोबडी केयर्स के वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं कर रहे. प्रॉब्लम अराइज होती ही उसी वक्त है जब शादी होती है और कंसीव नहीं कर पाते. सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के ऑफिस में जाती हैं. और उसके बाद फिर जब वो डायग्नोज होता है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, तो फिर वो मतलब कि वो फिर एक बहुत वो होता है, वही सारी लाइफ स्टाइल चेंजेस उनको बताए जाते हैं. फिर वो डिपेंड करता है कि उस पर वो कितना अमल करती हैं. एग्जैक्टली. और ट्रीटमेंट में यह है कि प्रेगनेंसी फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है इसकी वजह से, उसके लिए फिर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारी ओवरीज जो हैं जिसको अंडेदानी कहते हैं वो अंडे बनाती हैं. वो अंडा तो बन रहा होता है लेकिन वो टाइम पर रप्चर नहीं हो रहा होता. तो पहले तो हम टैबलेट्स देते हैं जिसकी वजह से अंडे बनते हैं, हेल्दी अंडे बनते हैं जिसकी वजह से, जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट कहते हैं. फिर उन अंडों को हम फॉलो करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू. जब वो मैच्योर हो जाते हैं अंडे, तो फिर हम उनको रप्चर करवाते हैं इंजेक्शंस देके, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सके. और इसके अलावा फिर अगर इससे हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए. जैसे एक IUI है, जैसे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होती है, IVF है हमारे पास, एक सी बहुत सारे वो हम यूज कर सकते हैं. फिर मेथड्स बहुत सारे हैं, प्रोसीजर्स बहुत सारे हैं जो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं. लेकिन बेसिक आपको जो आपके करने का काम है वो आपको अपनी लाइफ स्टाइल जो है उसको मेनटेन करना. बिल्कुल सही. डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच आप मेरे साथ यहाँ पर रही मौजूद और आपने अच्छा खासा मुझे टाइम दिया. और ये एक बहुत कहना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज जो है वो बात की गई है. आई होप आप लोगों की समझ में भी आई होगी. और इसके साथ ही शो का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो रहा है. शिकफा यास्मीन को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. खुदा हाफिज़.